इंडिया में दोस्तों अभी बहुत सारे ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब म्यूजिक आ गया है, स्पॉटिफाई आ गया है, बट इन सभी में जो ऑफलाइन म्यूजिक सुनने का जो एक्सपीरियंस है ना भाई, उसका मजा ही अलग है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोग उसे रिलेट कर पाओगे। कहीं भी सुन लो, कभी भी सुन लो, हाई क्वालिटी में सुन लो। तो वही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये ऑफलाइन म्यूजिक आप बढ़िया से म्यूजिक प्लेयर में सुने, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं आपके लिए दोस्तों आज लेके आया हूं 6 ऐसे एंड्रॉइड म्यूजिक प्लेयर जो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और इनमें आपको इक्वलाइजर, 3D सराउंड साउंड सब कुछ मिलेगा फ्री में। तो चलिए दोस्तों पता लगाते हैं उनके नाम, शुरू करते हैं हम टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो दोस्तों वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि GT हिंदी में अभी मेगा गिव अवे का सिलसिला चालू हो रखा है। इस हफ्ते हम दे रहे हैं 5 4K थॉमसन के स्मार्ट टीवीज, और ये जो टीवी है दोस्तों ये आते हैं सिर्फ 20,999 में, एंड यहाँ पे आपको मिलता है 4K पैनल जो कि सैमसंग का है, HDR इनेबल्ड। एंड उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको 3 HDMI के इनपुट मिलते हैं, जिसमें आप अपने एक्सबॉक्स हो गए, जैसे गेमिंग से अगर आप चाहते हो, गेमिंग खेलना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो 20 वॉट के स्पीकर के साथ 4K पैनल सिर्फ 21,000 रुपये में एक स्टील डील है, लेकिन 5 यूजर्स के लिए दोस्तों ये आपका हो सकता है फ्री में। आपको हमें करना है इंस्टाग्राम पे फॉलो GT हिंदी को, GT गेमिंग को, हमारे दोनों यूट्यूब चैनल्स को आपको करना है सब्सक्राइब, नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे। एंड फिर दोस्तों हम अगले हफ्ते आपको संडे को बता देंगे कि इन 5 टीवीज का विनर कौन है। वैसे एक बात बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि एक इंस्टाग्राम का लिंक हम आपको इस वीडियो के नीचे दे देंगे, वहां जाकर के आपको कमेंट करना है कि ये टीवी आपको क्यों चाहिए, और फिर अपने किसी भी दोस्त को आप वहां पर टैग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फाइनली सिर्फ इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए दोस्तों हम यहाँ पे दे रहे हैं 5 अमेजोन के गिफ्ट वाउचर्स 500 रुपये के। तो ये एक धमाकेदार गिव अवे आई वुड से, तो भाई जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहला ऐप है दोस्तों लिस्ट में बूम म्यूजिक प्लेयर, और इस पर्टिकुलर म्यूजिक प्लेयर में आप सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं बल्कि स्पॉटिफाई और टाइडल प्रीमियम यूजर की तरह ऑनलाइन गाने भी सुन सकते हैं। तो ऑनलाइन गानों के बारे में दोस्तों मतलब बात नहीं करते हैं, वी आर हेयर फॉर ऑफलाइन। तो ऑफलाइन में इस प्लेयर की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि इसमें आपको 3D सराउंड साउंड मिलता है। जैसे ही आप कोई गाना ऑन करोगे तो उसमें दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप वर्चुअलाइजेशन जो साउंड होते हैं, जैसे लेफ्ट स्पीकर, राइट स्पीकर, पीछे वाले, जैसे इन सारी चीजों से साउंड आए, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इसका सही मजा लेने के लिए आप ईयरफोन्स में ही गाने सुने, उसके साथ साथ यहाँ पे दोस्तों आपको इक्वलाइजर सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें आपको ऑटो सपोर्ट मिलता है कि गाने के हिसाब से यहाँ पे इक्वलाइजर सेट कर देगा, या फिर आप जो रॉक है, पॉप है, जैज, जैसे जो डिफरेंट कस्टम्स आते हैं, कस्टम प्रीसेट्स, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। बट इसमें आप अपने मन मुताबिक इक्वलाइजर सेट नहीं कर सकते हो, और उसके लिए हम अभी आगे जाकर के और दूसरे ऐप्स देखेंगे। तो ये दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप लगा, कोई मतलब ज़्यादा एड्स नहीं, अभी भी अनरिलीज है, तो शायद आगे जाकर के एड्स आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो आप इस पर्टिकुलर ऐप को जरूर ट्राई करो। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले ऐप की तरफ, जिसका नाम है ओमनिया म्यूजिक प्लेयर, और ये एक मटेरियल डिजाइन म्यूजिक प्लेयर है जो सिर्फ 5 MB के आसपास का है, और इसमें आपको एड्स नहीं मिलते हैं। मिलते थे दोस्तों आपको बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि 10-band इक्वलाइजर हो गए, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको डिफरेंट म्यूजिक फॉर्मेट्स का सपोर्ट मिलता है, इवन फ्लैग जो कि एक बहुत हाई क्वालिटी साउंड का एक फाइल सिस्टम होता है, वो भी दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है गैपलेस प्लेबैक, लिरिक्स डिस्प्ले, क्रॉस फेड, प्ले स्पीड एडजस्टमेंट, स्लीप टाइमर, रिप्ले गेन, और भी बहुत कुछ। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको क्रोम का सपोर्ट भी मिल जाएगा, तो अगर आपके पास क्रोम का इनेबल डिवाइसेस है तो उनको आप डायरेक्टली यहाँ पे कास्ट भी कर सकते हैं। तो इतने सारे फीचर्स के बाद दोस्तों इस पर्टिकुलर ऐप को रिकमेंड करना मतलब ना नहीं बोल सकता, पक्का हाई बोलूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों लिस्ट में HQ म्यूजिक प्लेयर, और ये बहुत ही ज्यादा मिनिमल म्यूजिक प्लेयर है और फुल ऑन जेस्टर बेस्ड है। मतलब जब आप इस पर्टिकुलर ऐप को सेटअप करोगे तो बता देगा कि ऊपर से नीचे स्वाइप करोगे तो ट्रैक लिस्ट दिख जाएंगे, नीचे से ऊपर आपको सारे के सारे जितने एल्बम्स हैं वो सब दिख जाएंगे, और लेफ्ट स्वाइप में, नेक्स्ट, राइट स्वाइप में, प्रीवियस, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, 2 बटन, पिन, जूम, तो मतलब सारे के सारे जेस्चर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, और बहुत ही मिनिमल कलर है। तो एज अ मिनिमल लवर आपको एक नो फ्रिल म्यूजिक प्लेयर चाहिए, तब आप इस पर्टिकुलर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ज़्यादा यहाँ पे सेटिंग्स नहीं है, इक्वलाइजर वगैरह का सपोर्ट नहीं है, बट स्टिल जैसा मैंने बोला बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और ऑलमोस्ट हर एंड्रॉइड डिवाइस में ये बखूबी काम करेगा। नेक्स्ट ऐप है दोस्तों लिस्ट में Beatbox म्यूजिक प्लेयर, और ये मेरा फेवरेट म्यूजिक प्लेयर ऐप है, जस्ट बिकॉज इसमें जो ट्रांजिशंस हैं भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 7-band इक्वलाइजर मिल जाता है, जब आप गाने चेंज कर रहे हो या फिर एल्बम से आर्टिस्ट में जा रहे हो तो लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप देखने में बहुत बढ़िया लगता है। एंड इतना मिनिमल और इतना
सूदिंग डिजाइन है दोस्तों इस पर्टिकुलर ऐप का, कि एज अ म्यूजिक प्लेयर मतलब इसको देख करके यूज करने में बहुत मजा आता है। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे म्यूजिक फाइल्स आप यहाँ पे चला सकते हो, इवन फ्लैग का दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट है। एंड अगेन, अगर आपको जब मैंने पहले तीन बताया अगर उनसे मन भर गया तो आप इसको जरूर इंस्टॉल कर सकते हो। इतना नया नहीं है, बट जैसे बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, उसमें से ये एक नाम है। अब अगला ऐप है दोस्तों लिस्ट में पाई म्यूजिक प्लेयर, और शायद आप में से बहुतों ने इसका नाम सुन रखा होगा क्योंकि ये बहुत दिनों से प्ले स्टोर में, लेकिन अगर नहीं सुना है तो भाई ये सुन लो कि इस पर्टिकुलर म्यूजिक प्लेयर में आपको एकदम एड फ्री एक्सपीरियंस मिलता है। आप सारे के सारे म्यूजिक यहाँ पे प्ले कर सकते हो, लेकिन जो दो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर मुझे लगते हैं उसमें से पहला ये कि आप अपने म्यूजिक को अपने दोस्त को भेज सकते हो और डायरेक्टली मतलब ऐप के थ्रू ही ये म्यूजिक एक फोन से दूसरे फोन में चला जाएगा। एंड अगर कोई सॉन्ग आपको अच्छा लगा तो उस पर्टिकुलर सॉन्ग का कोई भी पोर्शन क्लिप करके आप रिंगटोन की तरह भी सेट कर सकते हो। तो म्यूजिक प्लेयर तो है ही, एंड उसके साथ साथ ये फाइल शेयरिंग एंड रिंगटोन ऐप भी यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अभी तक अगर यूज नहीं किया है तो जरूर करना। एंड फाइनल ऐप है उस लिस्ट में AudioVision म्यूजिक प्लेयर। एंड इस पर्टिकुलर म्यूजिक प्लेयर को मतलब अगर आपको सिर्फ म्यूजिक सुनना ही नहीं बल्कि देखना भी है तब आप इस पर्टिकुलर ऐप को यूज कर सकते हो। तो विजुअलाइजर्स दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ ये ऑलमोस्ट सारी की सारी म्यूजिक फाइल चला देता है। आप अपने गानों को एल्बम वाइज, जॉनर वाइज, प्लेलिस्ट में आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो बहुत ही नया है, बहुत ही फ्रेश है, लाइट वेट है एंड येट पावरफुल है। तो अगर आपको एज अ विजुअलाइजर कोई ऐप चाहिए जिसमें आप म्यूजिक चला सकते हो तो आप इसे जरूर इंस्टॉल करो। तो ये है दोस्तों 6 म्यूजिक प्लेयर जिसमें आप अपने गाने ऑफलाइन सुन सकते हो। इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं ना कि एड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक थम्स अप जरूर देना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो बस आज के वीडियो के लिए इतने, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।